यूपी में उपचुनावों से पहले सियासत गर्म होने लगी है। उपचुनाव को लेकर बात करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सपा के आखिरी शासक हैं और अब एसपी की राज्य में वापसी नहीं होगी। इसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र में वापसी की कोई संभावना नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। उन्होंने कहा, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी अधिक वोटों से मैंने जीत हासिल की और अब इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। डिप्यूटी सीएम ने कहा कि पार्टी में इस सीट पर दावा करने वाले उम्मीदवारों की कमी नहीं थी, लेकिन जब पार्टी ने कौशलेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार तय कर दिया तो कार्यकर्ताओं ने इसे स्वीकार भी कर लिया। इसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए फूलपुर सीट से टिकट मांगा था। बता दें कि यूपी में 11 मार्च को उपचुनाव होंगे तो वहीं 14 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।